हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस बार मैं आपको बताने वाला कुछ इधर की फोटो है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कार एक पीछे से ड्रिफ्ट मार रही है और उसके आगे मेरा धुआं धुआं निकल रहा है, उसके आगे हम बैठे हैं। सो गाइस, इंटरेस्टिंग होने वाली काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो, और इसमें एडिटिंग जो हो रही है एकदम मस्त वाली हो रही है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट है कार स्मोक फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट। सो इसको एडिटिंग को सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो को ज़रूर से देखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ इसमें। सो गाइस, मैं अब जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अब चलते हैं पिक्सार्ट की। सो गाइस, पिक्सार्ट मैंने कहा था आपको ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी बैकग्राउंड है। सो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। सो यहाँ पे मैंने ये बैकग्राउंड कट कर लिया है। सो अब हम जाएंगे ड्रॉ टूल की तरफ। सो ड्रॉ टूल में हम अपनी फोटो को यहाँ पे एडिट करेंगे। सो इसमें यहाँ पे आपको एक एम्प्टी लेयर मिलती है, तो इस लेयर पे हम फोटो को ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, आपको भी कुछ इस तरह की फोटो क्लिक करानी होगी, आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे मैं इसको फोटो को यहाँ पे ऐड कर लूँगा, एंड इसके बाद यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा फोटो को, एंड उसके बाद यहाँ से थ्री डॉट पे जाके मैं इसको ट्रांसफर करके इसको फोटो को एडजस्ट कर लूँगा फोटो के हिसाब से। इसे डन कर दूंगा। सो गाइस, अब हम बनाएंगे इसके नीचे से शेडो। सो इसके लिए एक मिटी लेयर चूज़ करेंगे, एंड इसको मैं फोटो के नीचे रखूँगा इस तरीके से। देन पेंसिल का साइज़ सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, एंड साइज़ में थोड़ा बड़ा रखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसे सेट करके मैं सिंपली यहाँ पे पैरों के नीचे से, देखिए गाड़ी के पीछे जो जिस तरह की शेडो आ रही है, मैं इस तरह की यहाँ पे पैरों के नीचे से बनाऊँगा शेडो। सो इसको मैं यहाँ से जल्दी से बना लेता हूँ। सो गाइस, हमारी शेडो एकदम रेडी हो चुकी है। सो मैं इसका बिफोर आफ्टर दिखा दूँ, ये बिफोर एंड आफ्टर। सो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है इससे। सो हम यहाँ पे सिंपली डन कर लेंगे, एंड हम यहाँ पे इसके बाद हम चलेंगे अब स्मोक के पीएनजी की तरफ। सो ऐड करेंगे यहाँ पे स्मोक पीएनजी। सो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया है। सो मैं इसको यहाँ पे एक तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड में लाऊँगा कुछ इस तरीके से इसको मैं, देन इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा। यहाँ से लेफ्ट में जो आपको बटन दिख रहा है, इसको डुप्लीकेट करके मैं इसको यहाँ से, एंड इसको राइट साइड लगा लूँगा। मैं थोड़ा इसे रोटेट कर लूँगा, देन इसके बाद इसको मतलब राइट साइड में इसे लगा लूँगा। सो हमारा स्मोक पेंजी यहाँ पे लग चुका है। सो डन कर देंगे। देन आपको दिख रहा होगा मैंने एडिटिंग में लाइट लगाई है गाड़ी के ऊपर। सो इसके लिए हम पिक्सार्ट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे लेंस फ्लेयर का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सो आपको ये रेड रंग का लेंस फ्लेयर मिल जाएगा, इसको सिंपली हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो इसका मैं यहाँ पे साइज़ बड़ा करूँगा मतलब लेंस का। सो इसको मैं गाड़ी की हेड मतलब बैक लाइट पे लगा लूँगा। सो इसको यहाँ से सिंपली इसको ऐड करने के बाद यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। देन इसको दूसरे वाले को भी इसके नीचे लगा लूँगा। देन इस दूसरे वाले को भी डुप्लीकेट करके मैं इसको एक ऊपर लगा लूँगा। सो इसको यहाँ से मैं डन कर दूँगा। सो डन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है फोटो के ऊपर। सो अब चलते हैं ड्रॉ टूल में, एंड इस फोटो को यहाँ से सेव करते हैं। सो गाइस, लाइटरूम में मैंने फोटो एडिट कर लिया। सो सबसे पहले मैं फोटो की ब्राइटनेस थोड़ी तेज कर लूँगा, देन इसके बाद मैं इसका फोटो को मैं थोड़ा बहुत एक्सपोजर कम करूँगा, फोटो के हिसाब से करनी है, कॉन्ट्रास्ट कम करूँगा, हाईलाइट हल्की इसकी हल्की सी कम करूँगा, एंड शेडो इसकी बढ़ाऊँगा, एंड ब्लैक कम कर दूँगा, एंड वाइट भी हल्की सी इसकी कम कर दूँगा। देन यहाँ से सिंपली मिक्स टूल में जाएंगे फेस कलर पे, इसकी सैचुरेशन हम 30% कम कर देंगे, देन ल्यूमिनस हल्की सी बढ़ाएंगे। सो इसके बाद येलो एंड ऑरेंज कलर है, इसकी दोनों की सैचुरेशन मैं -100 रख दूँगा। देन ब्लू कलर की मैं ह्यू को थोड़ी बहुत छिड़ के देख लूँगा, माइनस में कुछ इस तरह की लग रही है, ये बेस्ट है, एंड सैचुरेशन हल्की सी इसकी बढ़ाऊँगा, एंड ल्यूमिनस कम। सो अब टेम्परेचर की बात आती है, मतलब इसकी सैचुरेशन बढ़ाती है। सो टेम्परेचर फोटो का मैं थोड़ा चेक कर लूँगा यहाँ से। सो मुझे ये प्लस में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। सो लिटिल बिट इसको मैं प्लस कर दूंगा, देन इसका टिंट हल्का सा प्लस, एंड विब्रेंस बढ़ा दूंगा फोटो के अंदर। सो आप फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे यहाँ से, एंड टीएस बढ़ा देंगे। सो क्लियरिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं गाइस। देन सिंपली अब यहाँ से मैं स्प्लिट टोन का यूज़ करूँगा। सो स्प्लिट टोन में मैं इसमें हाईलाइट का कलर दूंगा कुछ ब्लू स्टोन में, एंड इसी तरीके से शेडो का भी कलर दूंगा। यहाँ से अब मैं इसको शेडो का कलर देता हूँ। देन मैं ग्रीन अमाउंट, शार्पनिंग एंड नॉइस रिडक्शन फोटो को बढ़ा दूंगा।
सो गाइस हम जाएंगे कर्व टूल में। सो कर्व टूल में आपको पता है कि यूज़ करता हूँ शेडो एंड हाईलाइट को मैनेज करने के लिए। सो इसको मैं यहाँ से जल्दी से इसमें पॉइंट्स बना के एक फोटो के अंदर शेडो मतलब दे देगी, फेडेड लुक आ रहा है इससे, नीचे से ऊपर उठा रहे हैं इसे तो एक फेडेड लुक आ रहा है फोटो के अंदर। सो इसका यूज़ आप करिए आप भी। सो यहाँ से इसे डन कर लूँगा। सो मैं जाऊँगा सिलेक्टेड टूल पर, नीचे से इसमें ग्रेडिएंट मारूंगा। सो मतलब ग्रेडिएंट मारना हल्का सा, मतलब इसमें ग्रेडिएंट इसमें हम एक्सपोजर को बढ़ाएंगे नहीं, हल्का सा घटाएंगे। सो इसका एक्सपोजर कम कर दूंगा यहाँ से, एंड इसके बाद हल्की सी क्लियरिटी बढ़ा दूंगा फोटो की मतलब ग्रेडिएंट की। सो मैं फेस पे इसको सर्कल मार लूँगा ताकि फेस में एक चमक आ जाए। इसकी एक्सपोजर यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा सिंपली, एंड उसके बाद यहाँ से डन कर दूंगा। सो अब यहाँ पे हमारी फोटो लगभग डन हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिफोर में हमारी कुछ इस तरह की फोटो थी पिक्सआर्ट के अंदर, एंड आफ्टर फोटो एडिटिंग हमारी लाइटरूम में होने के बाद कुछ इस तरह की बनी। देखिए बिफोर एंड उसके बाद आफ्टर। सो फोटो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है, आप देख सकते हैं एकदम रियल लग रही है एकदम। सो आप देख सकते हैं मैं जूम करके दे रहा हूँ, शेडो भी रियल है, एंड जो हमने स्मोक लगाया स्मोक का पेंज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यार, वो भी एकदम रियल लग रहा है। एंड लाइट देख सकते हैं गाड़ी की मस्त लग रही है। सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो में एडिटिंग जो अच्छी लगी है सो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, मुझे तो एकदम मस्त लग रही है। और बाकी आपको अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहे, मतलब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बाकी इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।